दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल कुछ तो सीखो को और लगी बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए हमारी नई वीडियोस लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। वेलकम टू बैक दिस सीरीज बेस्ट बजट स्मार्टफोन एपिसोड नंबर 3 के साथ। दोस्तों आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ और आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत से इंटरेस्टिंग फ़ोन्स के बारे में और बेस्ट बजट स्मार्टफोन जो आपको मिल जाएंगे तकरीबन 30,000 यानी 30,000 के दरमियान, 30,000 के दरमियान आप कौन से मोबाइल अच्छे ले सकते हैं और कौन सी कंपनी के और किस तरह से आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ोन्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और आज मैं आपको इस वीडियो में अलग अलग कंपनी के 5 मोबाइल बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास आता है एक मोबाइल है जो है हवावे का P10 Lite, ठीक है। मॉडल नंबर है इसका हवावे P10 Lite। अगर इसकी मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो 3GB की रैम मिल जाएगी आपको, 32GB की रोम मिल जाएगी। कैमरा की बात करें तो 12 मेगापिक्सल आपको कैमरा मिल जाएगा, फ्रंट आपको 8 मेगापिक्सल मिल जाएगा। डुअल सिम कार्ड मिल जाएगा आपको, कार्ड सपोर्ट अलग से मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें बात करें तो 4GB रैम में और 32GB रोम में, तो बात करते हैं तो यहाँ पे हमको मिलेगा 3GB रैम। अगर बात करें 4GB रैम की तो ये सिर्फ नॉर्थ अफ्रीका और साउथ एशियन में ही मिलेगा आपको 4GB रैम में, इसके अलावा और कोई मुल्क में नहीं मिलेगा, ठीक है। साउथ एशियन में जो लगते हैं, जो मुल्क लगते हैं उसमें ही लगेगा, ठीक है, उसमें मिलेगा आपको। अगर इससे जनरल फ्यूचर की बात करें तो आपको 3000 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो बिल्कुल नॉर्मल है। स्मार्ट पावर सेविंग 5.0 जो बहुत ही अच्छा इसमें एक ऑप्शन और पावर सेविंग का बेस्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। एंड्रॉयड की बात करें तो 7.0 नोगाट ऑक्टा कोर मिल जाएगा जो बहुत हाई फाई होता है, उम्मीद ही नहीं है कि आपका ये सेट हैंग हो। वेट की बात करें तो 146 ग्राम आपका 146 ग्राम इसका वेट है। साइज मेन डिस्प्ले है 5.2 इंचज़। USB सपोर्ट करता है 2.0 की। कलर्स में को आपको मिल जाएंगे 4 कलर, आप देख सकते हैं प्लैटिनम गोल्ड, ग्राफाइट ब्लैक और सफ़ाइट ब्लू और पर्ल वाइट, ठीक है। 1 ईयर ऑफिशियली वारंटी मिल जाती है। इसकी बात करें मॉडल की तो हवावे P10 Lite है। प्राइस आप जान लेंगे तो ऑनलाइन मार्केट आपको ऑनलाइन में मिलेगा 30,899, लेकिन मार्केट से आपको लेने जाएंगे तो 26, 27, 28 के तकरीबन आपको इस दरमियान मिल जाएगा, ठीक है। और आप ये ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं homeshopping.pk से, ओके। तो ये था हवावे का P10 Lite जो मुझे इतना ख़ास फ्यूचर तो नहीं लगा, जिस हिसाब से इन्होंने फ्यूचर्स दिए हुए उस हिसाब से पैसे बहुत ज़्यादा हैं, इसके लिए मैं एडवाइस नहीं करूँगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास पाकिस्तानी कंपनी Q Mobile A1। इसमें आपको मिल जाएगा 4GB रैम, 64GB रोम, कैमरा मिल जाएगा 30 मेगापिक्सल, फ्रंट मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल। ये बेसिकली Oppo F3 के ऊपर बनाया है सेट, ठीक है। और इसके साथ डुअल फ्लैश आपको मिल जाएगा, लेकिन ओप्पो 3 में डुअल फ्लैश नहीं मिलेगा, ठीक है। इस मोबाइल को खास मैंने सेल्फी एक्सपर्ट करके लिखा है क्योंकि बहुत ही अच्छा मोबाइल है सेल्फी एक्सपर्ट के लिए, ठीक है। और सेल्फी इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। डुअल सिम कार्ड इसमें लग जाती है, माइक्रो नैनो जो आप लगाना चाहें, कार्ड सपोर्ट इसमें लग जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर है। 4010 mAh की बैटरी मिल जाएगी आपको, फास्ट बैटरी चार्जिंग मिल जाएगी, एंड्रॉयड 7.0 नोगाट मिल जाएगा। वेट आपको मिलेगा इस मोबाइल का 182 यानी 182 ग्राम, ठीक है। साइज़ आपको मेन डिस्प्ले 5.5 ही मिलेगा। प्रोटेक्शन कॉर्निंग मिलेगा आपको गोरिल्ला ग्लास 3 जो बहुत ही मजबूत बनाई है, अगर आपका मोबाइल गिर जाता है तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। USB सपोर्टेड बात करें तो 2.0 जो एडवांस वर्जन है वो सपोर्टेड है, यानी अगर आप USB इसमें लगाते हैं तो वो सपोर्ट कर लेगा। इसमें कलर से बात करें तो कलर ब्लैक, वाइट एंड गोल्ड आपको मिल जाएगा, 1 ईयर ऑफिशियली वारंटी के साथ मिल जाएगा। मॉडल नंबर की बात करें तो Q Mobile A1, प्राइस ऑनलाइन मार्केट है 24,000, बाय नाउ आप कर सकते हैं daraz.pk से। अगर आपने अपनी मार्केट से परचेस करें तो आपको ये तकरीबन 20-21 का मिल जाएगा, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत बड़ी ब्रांड सैमसंग J7 Prime। इसमें आपको मेन फीचर में इतना कुछ खास ही समझ ली, 3GB रैम मिल जाएगी आपको, 16GB रोम मिल जाएगी, कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, फ्रंट आपको जो मिलेगा वो होगा 8 मेगापिक्सल, डुअल सिम नैनो लगेगी आपको, एक कार सपोर्ट अलग से होगा, माइक्रो एस डी अप टू 256GB कार सपोर्ट करेगा। बैटरी की बात करें तो 3300 mAh की बैटरी मिल जाएगी। CPU टाइप की बात करें तो ऑक्टा कोर मिल जाएगा, बहुत हाई फाई होगा। ऑडियो एंड वीडियो की बात करें तो वीडियो प्लेइंग फॉर्मेट हर चीज़ हर फॉर्मेट आपको सपोर्ट करेगा, HD, फुल HD, HD, UHD सब कुछ सपोर्ट करेगा, ठीक है। वेट की बात करें तो 167 यानी 167 ग्राम की इसका
वेट होगा, ठीक है। साइज मेन डिस्प्ले होगा 5.5 और यूएसबी सपोर्टेड 2.0, फिंगर स्कैन प्रिंट, ठीक है, फिंगरप्रिंट भी इसमें 1 ईयर ऑफिशियली वारंटी के साथ आपको मिल जाएगा। सैमसंग जेसविन प्राइम 26,000 रुपये का होम शॉपिंग डॉट पी के से। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और मोबाइल की, ओप्पो F3, ठीक है। ये है वो ओप्पो का वो मोबाइल जो अभी तक चल रहा है और बहुत सारा चला और इसकी एडवर्टाइज आपने टीवी पे बहुत ज़्यादा देखी होगी। इसी के ऊपर क्यों मोबाइल ने अपना सेट बनाया, ठीक है, 4GB रैम बनाई है और मेन फीचर है 4GB रैम मिल जाएगी आपको, 64GB रोम, कैमरा 13 मेगापिक्सल, जबकि क्यू का भी वही है, फ्रंट 16 मिल जाएगा, क्यू का भी वही, लेकिन ओप्पो में फ्रंट फ्लैश नहीं है और क्यू मोबाइल में फ्रंट फ्लैश भी आपको मिल जाएगा। सेल्फी एक्सपर्ट है ये मोबाइल भी, डुअल सिम कार्ड मिल जाएगी, कार्ड सपोर्ट मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, 3200 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जबकि क्यू मोबाइल में 4010 mAh बैटरी थी। लेकिन यहाँ नॉन रिमूवेबल यहाँ बैटरी आप नहीं निकाल सकते, पैक सेट है, ठीक है। एंड्रॉयड 6.0 मार्शमेलो का मिल जाएगा, वेट 153 ग्राम मिल जाएगा बैटरी के साथ, याद रहे बैटरी के साथ 153 ग्राम। साइज की बात करें तो मेन डिस्प्ले आपको मिल जाएगा 5.5 इंच, USB सपोर्टेड 2.0, कलर गोल्ड में मिल जाएगा आपको 1 ईयर ऑफिशियली वारंटी के साथ। ओप्पो F3 इस मॉडल नंबर है, प्राइस ऑनलाइन की बात करें तो 28,000 का मिलेगा आपको, ये बाय नाउ अगर आप कर सकते हैं, अपनी मार्केट से लेंगे तो आपको तकरीबन ये 22-23 हज़ार में मिल जाएगा, क्योंकि जब टीवी पर एडवर्टाइज चल रही थी तो ये 26-27 का था, ठीक है। आपको नॉर्मली ये मार्केट में 23-24 22-23-24 का मिल जाएगा, ओके। अब बात करते हैं इन्फिनिक्स जीरो फोर प्लस, जो मेरी एडवाइस है कि आप ये लें, ठीक है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। चलिए शुरू करते हैं, 4GB रैम आपको मिल जाएगी, 64GB की रोम मिल जाएगी, कैमरे की बात करें तो 20.7 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा आपको, फ्रंट की बात करें तो 13 मेगापिक्सल आपको कैमरा मिल जाता है डुअल फ्लैश के साथ, और क्या बच्चे की जान लोगे, डुअल सिम माइक्रो मिल जाएगी, कार्ड सपोर्ट मिल जाएगा, माइक्रो SD अप टू 128 128GB आपको सपोर्ट मिल जाएगा, 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जबकि क्यू में 4010 की थी, 10 से इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, एक मैसेज ज़्यादा चले जाएगा बस। अच्छा, प्रोसेसर की बात करें तो 1.3 GHz डेका कोर जो ओक्टा कोर से अपग्रेड है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये इसकी जो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ ये पसंद आ रही होगी, ठीक है, और इंटरेस्ट आपका जाग रहा होगा इस मोबाइल में, ठीक है। एंड्रॉयड 6 मार्शमेलो है, जो अपडेट करना चाहे तो 7.0 नोगाड़ पे अपडेट हो जाएगा। वेट की बात करें तो 200 ग्राम है, बात यह है कि अगर इसमें 20-30 ग्राम ज़्यादा है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम नोट 4 हमने चलाया और LG V10 भी मैं चला रहा हूँ, बहुत सारे हैवी मोबाइल चलाए हैं, तो इसलिए 200 ग्राम कुछ भी नहीं है। साइज़ की बात करें तो 6.0 आपको मिल जाएगी, जो तकरीबन नोट 4 से रिलेटेड होगी, यानी 19-20 है, ठीक है। USB सपोर्टेड आपको मिल जाएगी 2.0, कलर्स और ग्रे गोल्ड फाइट ब्राउन एंड पिंक मिल जाएगा, 1 ईयर ऑफिशियली वारंटी मिल जाएगी आपको। इन्फिनिक्स जीरो फोर प्लस, प्राइस ऑनलाइन मार्केट 29,000, बाय नाउ कर सकते हैं priceoy.com से। अगर आप 29,000 में ये मोबाइल ख़रीद लेते हैं तो मैं कहता हूँ ये मोबाइल आपके लिए बेस्ट है, और इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरी एडवाइस ये कि आप ये अपना मोबाइल अपनी मार्केट से ख़रीदें, अगर मार्केट में आपको नहीं मिलता तो आप हैदराबाद कराची से लें, अगर आप इंडिया में हैं तो अपनी कोई बड़ी मार्केट से लें, या आप किसी भी शहर में हैं किसी और मुल्क में हैं तो आप अपनी बड़ी मार्केट से ये मोबाइल ख़रीद सकते हैं, या तो अगर नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से आप ले सकते हैं, ओके। तो ये थी हमारी जो आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बहुत सारे लेटेस्ट मोबाइल के बारे में बताऊंगा और अमेजिंग मोबाइल के बारे में बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।